समय दीन नहीं तो क्या होता, शौहर साहब घर को आए, दरवाजा खुला, बीवी साहेबा की सूरत देखे तो ऐसा दिख रहा था कि तुर्की में आके गए सो जलजला घर में आने वाला है कि क्या है कि बोल के। अरे बोले अरे क्या हो गया कि भाई खतरनाक गुस्से में दिख रही आ गए ने दिल में बोले अम्मा नहीं आने का था क्या भाई, तो खतरनाक कहू पूछ रहे क्या हुआ कि। अब अंदर घर में गया बेचारा डरते डरते, अम्मा कहा है कि वहां है हल्लू, यहां चल लेंगे अपन, यहां जाके मुंह धो लेंगे फ्रेश हो जाएंगे, चुप चुप के रहना उन्हें डर के। अब बीवी परेशान खामोश खामोश गुस्से में है, जाके अम्मी को पूछा अम्मी क्या हुआ उसको, किसको रे? अरे उसको जी क्या हुआ, उन्हें दीवानी है रे, उन्हें साइको है, उन्हें नाक पे गुस्सा रहता उसके चुप। अरे नहीं अम्मी अच्छी थी ना सुबह में, क्या हुआ? अब भी फोन करा मैं आधा घंटा पहले, अच्छे से बात करी, आओ जी तुम्हारे वास्ते ये बनाई वो बनाई, बोलता मैं खुश खुश होकर आया, आते गिट पूरे दिल के अरमा आंसू में बह गए अपने पूरे यहां पर। मैं बोला अरे ये क्या तुम्हें किस्सा हो गया, बोलते परेशान हो गया ना। अम्मा बोले कुछ भी नहीं बेटे, छोड़ देते बीवी को। अरे नहीं अम्मा बोलो सही, तुम क्या हुआ आखिर, तुम कुछ बोलेगा? हाँ मैं कुछ बोलती नहीं। बोले क्या पुत्र जी, मैं कुछ कुछ भी नहीं बोली बेटे, मैं खाली इतना बोली तेरी अम्मा ऐसी तेरा बाबा ऐसा बोल के बोली, कुछ भी नहीं है ये, इतना बोले तो वो फुला ली देख। अब उन्हें वहां गया, वहां जाते कि क्या हुआ बेगम, कुछ भी नहीं, बात ना को करो मेरे से, तुम तुम्हारे अम्मा के जो गुलाम है। इन्हें बोला आए हाय गुलामी का ठप्पा लग गया। अम्मा का नाके बोला क्या जी अम्मी तुम कई को ऐसा बोले बीवी को, चुप जोरे का गुलाम। इन्हें बोला अरे ये क्या दे भैया गुलामी बढ़ रही यहां पर, बीवी का तो अम्मा का गुलाम बढ़ रही, अम्मा का तो बीवी का गुलाम बढ़ रही, गुलामी तकसीम कर रहे क्या, सदके खैरात में गुलामी बांट रहे आज, क्या तो भी हो गया। अब बेचारा कितना परेशान होना, बोलो होना ना होना, अम्मा कहने गए तो बीवी का गुलाम बोलती, बीवी कहने गए तो अम्मा के गुलाम बोलती, करना क्या। दीन नहीं रहने का नतीजा है मेरे भाई, दीन नहीं रहने का। बीवी बिचारी कुछ तो भी बोली, बोलते किच काना भर दे रही किसके, शहर के। और अल्लाह मुझे समझ में नहीं आ रहा, औरतें दीवाने दीवाने बोलते लेकिन मर्दाना कितना ऐसा बेवकूफ बन गया, बीवी दो बातें बोली, बोलते ही शौहर साहब के काना कड़क हो गए, बीवी की दो बातें सुन के अम्मा से बदगुमान हो गए, बहनों से बदगुमान हो गए, सगे भाई से लड़ लिए, क्यों? अरे उसको ऐसा बोले कहते, सबर रखो, अगर अम्मी बोले भी तो बीवी को समझाना, देखो अम्मी छे ना जी, आपकी अम्मी नहीं बोलते क्या, बोलते, आपकी अम्मी बोले सर का मेरे अम्मी, अगर अम्मी बोले तो कई बात आपको बुरी लगी, आपके अच्छे के वास्ते बोले आप थोड़ा सबर कर लो, नहीं बोल सकता शौहर, क्यों? क्योंकि इसकी जिंदगी में दीन नहीं, इसे ये नहीं पता मेरी मां का क्या मकाम और क्या मर्तबा है। ऐसे ऐसे वाकयात आ रहे हैं कि बीवी की वजह से मां को ऐसे मोटे मोटे आंसू बहाने पे मजबूर कर रहे बेटे, बीवी की वजह से। बीवी को थोड़ा सा काम लगाए, चाय बनाओ बोलना मुश्किल है कहते, झाड़ू दियो बोलना मुश्किल है कहते, छोटा काम करो बोलना मुश्किल है, क्यों? उन्हें आके शौहर को, मेरे को नौकरानी बना के रख दिए जी घर में। अरे नौकरानी नहीं बनाई मेरी अम्मा, घर संसार लेके चलना औरत का हक है, जिम्मेदारी है, आपके अम्मी भी ये सब काम करके एक मकाम पाए, हमारे अम्मी भी एक काम करके एक मकाम पाए, तुम भी घर में खिदमत करोगे तो दिल जीतो, जिम्मेदारी है तुम्हारी। लेकिन शौहर को दीन नहीं मालूम, अरे मेरी बीवी को नौकरानी बनाकर रखे कहते ना बोल के, बहनों से लड़ रहा, अम्मा से लड़ रहा, क्या बेदीनी है मेरे दोस्तों ये सब, क्या बेदीनी। इसीलिए हमको चाहिए कि हम घरों में दीन जिंदा करें।